उत्तराखंड में आज 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है और पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं, जो आज अपना मत देकर उत्तराखंड के अगले 5 साल का भविष्य तय करेंगे। हालांकि नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे कि राज्य की जनता ने किसके हाथों में उत्तराखंड की सत्ता सौंपी। तो आइए जानते हैं कि किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है और किन सीटों पर टिकी है सबकी निगाहें। उत्तराखंड में आज लोकतंत्र की ताकत दिखाने का दिन है। आज प्रदेश की जनता उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए मतदान कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 82 लाख मतदाता हैं, जो 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी के सामने अपनी साख को बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में पार्टी का दारोमदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। धामी खटीमा से चुनावी मैदान में है और इसी सीट से 2 बार के विजेता भी है, लेकिन उन्हें कांटे की टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद्र पड़ी को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार लालकुआ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके सामने भाजपा ने मोहन विष्ट को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर गढ़वाल सीट से और मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से, तो वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार शहर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा 70 में से मुख्य रूप से 5 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और वो सीटें हैं कोटद्वार, लेंसडाउन, हरिद्वार ग्रामीण, सल्ट और गदरपुर। दरअसल ये वो सीटें हैं जिन पर जीत और हार चुनाव परिणाम पर असर डालेगा और चुनाव के बाद की राजनीति पर भी असर डालेगा। खैर, मतदान तो जारी है, लेकिन किसको मिलेगी जीत और किसे करना पड़ेगा हार के साथ संतोष, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।